Good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुष्मिता त्रिपाठी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडिया नंबर वन स्टडी चैनल पार्ट ऑफ एन एकेडमी नाउ. सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए सेशन को. रात के 12 बजे के लिए भी हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और शो लेकर आ रहे हैं. हालांकि ये तो मेरा फ़र्ज़ है, एक टीचर हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपके लिए इतना करूँ. उसी तरह स्टूडेंट की तरह आप भी अपना फ़र्ज़ निभाइए और प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए ताकि सबसे ज़्यादा लोग हमारे सेशन पर जुड़ सके. अब जैसा मैं हमेशा अपने सेशन की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से करती हूँ, आज की भी हमारी शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से है. बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं. एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है. समझ रहे हैं ना? मतलब सिर्फ एक इच्छा है आपकी, इच्छा रख रहा हो, इच्छा तो कितनी ही कुछ है. अगर सबकी इच्छा पूरी होने लगे तब तो भगवान जाने हमारे देश का क्या होगा, हमारी दुनिया का क्या होगा. तो एक इच्छा अगर आप रख रहे हो और उस इच्छा से सोच रहे हो कुछ बदलेगा तो नहीं होगा. निर्णय आपने कुछ लिया तो हो सकता है आपकी एक जो छोटी सी निर्णय लिया उससे थोड़ा सा फर्क पड़ा, लेकिन आपने जिस दिन दृढ़ संकल्प कर लिया, जिस दिन निश्चय कर लिया खुद में कि नहीं मुझे तो चाहिए ही चाहिए, मुझे तो करना ही करना है. निश्चय करने का मतलब है उसके लिए लग जाना, डटे रहना. और डट कर अगर आप बैठ जाओगे ना तो कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है. सिर्फ आपको अपने मन में एक संकल्प करना है कि नहीं मुझसे होगा और मैं करूँगा. जब भी मन में नेगेटिव ख्याल आए तो उसे दूर करो. मुझे भी बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आते हैं, ऐसा नहीं है मैं भी इंसान हूँ, बहुत सारी बातें आती हैं. कई कई बार हम लोग जब यहाँ पर आने वाले होते हैं तब भी दिमाग में नेगेटिव बातें आती हैं, लेकिन नहीं, हमें पता है कि हमें उन सबको पीछे छोड़ना है. हमें अपना फ़र्ज क्या करना है, पूरा करना है. जो हमारा काम है उसे करना ही करना है. आपका क्या फ़र्ज है? आपका फ़र्ज है पढ़ाई करके इस बार की सिलेक्शन लेना, और वो आप लोग बिल्कुल करोगे. मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ऐसा सब करोगे. बस आपको निश्चय करना है और वही निश्चय आपका पूरा जीवन बदल कर रख देगा. आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा. बस अपने मन में एक जो नेगेटिविटी आती है, जो नकारात्मक सोच है, उसे ख़त्म कर दो और फिर देखो. जिस दिन मन में आए कि नहीं होगा उस दिन पूछो क्यों नहीं होगा, और आपको जब जवाब मिलेगा कि इस वजह से नहीं होगा तो उसको पीछे कर दो. जब आपको लगेगा कि नहीं इस वजह से मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो क्या कर सकते हो? पढ़ोगे ना. हमेशा नकारात्मक को क्यों में बदलो और उस क्यों के पीछे जाओ, इतना पीछे जाओ कि वो क्यों खुद ही हट जाए. सब तुम्हारे हाथ में है, जो चाहोगे वो होगा. बस जहां चाह है वहां राह है, और मन के हारे हार है मन के जीते जीत. बस एक बार खुद के मन में जीत लिया ना, सब हो जाएगा. लेकिन सिर्फ इच्छा से नहीं, आपको उसके लिए निश्चय करना होगा, है ना? चलो, तो जैसा आपको बताया 12 बज चुके हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं. आज हम लोग आज के सेशन में हमें क्या पढ़ना है, आज के सेशन में हमें पढ़ना है मेजर प्लेन्स. मेजर प्लेन्स हम लोग देखेंगे. मेजर प्लेन्स के साथ ही साथ हम लोग डे ऑफ द डे देखेंगे, डेजर्ट ऑफ द डे देखेंगे, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स को भी पढ़ा जाएगा जो आप लोग इतने प्यार से हमारे लिए लिखते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो क्यों ना सबसे पहले मैं एक कमेंट ऑफ द डे आज आपका पढ़ लूँ. एक मिनट मुझे दीजिए बस. लिखने वाली है निम्मी मीना. आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये जहाँ सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है. बहुत ही बेहतरीन लाइन है, बहुत ही अच्छी. अनिमेश तिवारी की लाइन है. वक्त आपका है, चाहे तो इसे सोना बना लो और चाहे तो इसे सोने में गुजार दो. दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपके राय से नहीं. बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं आप दोनों लोगों की, बहुत ही बेहतरीन. इतनी अच्छी लाइन्स लिखो और इसी को फॉलो करो, फिर देखो क्या कठिन है. कुछ कठिन नहीं है, सब आपकी मुट्ठी में है. चलो, तो आज
आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेन्स, मेजर प्लेन्स, विश्व के प्रमुख मैदान। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। जैसा आपको पता है, ये सेशन से आपको हेल्प मिलती है रेलवे में, एसएससी में, आईएएस पीसीएस जैसे एग्जाम्स में भी मिलती है, और कभी कभी आपके बैंक्स में भी कुछ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो प्लेन्स क्या होता है? समुद्री तले से 500 फीट तक की जो ऊंचाई होती है उसको हम लोग प्लेन्स कहते हैं। विश्व के जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेन्स हैं, जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और जिनसे सबसे ज्यादा सवाल बनता है, वो आपको पढ़ाया जाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि जो कंटेंट हमें दे रहे हैं वो खुद भी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें पूरा पूरा नॉलेज है, और उनके साथ अलग से बैठ के हम सभी को भी पता है कि क्या क्या आता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं सेशन को, और पहला प्लेन देखिएगा। सबसे पहले आपसे बात कर रहा है कांटो मैदान, कांटो मैदान की बात कर रहा है ये, और ये जो स्थित है, ये स्थित है आपका जापान के होंशु द्वीप के पूर्वी भाग में, यहां आपको स्थित मिलता है। मैप पे आपको दिख रहा है कांटो, ये दिख रहा है आपको, क्या मैंने बताया था, यह जापान के होंशु द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित मिलेगा। फिर देखिए अगला है मंचूरियन प्लेन, याद आ गई ना, 12 बज गए हैं, लेकिन ये तो ऐसी चीज है कि जब भी याद कर लो तब बस मुंह में पानी भर जाता है। मंचूरियन प्लेन कहाँ होगा, कहाँ की डिश में आप लोग खाते हो, चाइना में खाते हो ना, चाइनीज डिश में, ये नॉर्थ ईस्ट चाइना में जो है लोकेटेड होता है, ठीक है। मंचूरियन प्लेन की बात हो रही है, जैसा आपको दिख रहा होगा ये मंचूरियन प्लेन्स दिख रहे हैं आपको, इस नदी के किनारे, यहाँ पर कोरियन पेनिनसुला है, यहाँ पे किनारे हमें दिख रहा है क्या, मंचूरियन प्लेन्स। फिर देखिए अगला क्या है, यांगजे प्लेन, यांगजे प्लेन है, इसका भी नाम सुनकर ही समझ आ जाएगा क्या होगा, चाइना, फेमस फॉर राइस प्रोडक्शन, चावल के उत्पाद के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है, और यह चाइना में लोकेटेड है, यहां दिख रहा है हमें, ये देखिए हाइलाइटेड पोर्शन है ऑलरेडी, ये है हमारा यांगजे प्लेन, ठीक है, जो कि किसके लिए फेमस है, जो फेमस है राइस प्रोडक्शन के लिए। ओके चलो अगला देखिए, मेकोंग वैली, मेकोंग घाटी, इसकी हम लोग बात करें, ये कंबोडिया में है, और यह भी राइस प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है, चावल के उत्पादन के लिए यह भी बहुत फेमस है, और स्थित कहां पर है, कंबोडिया में, ये देखिए ये हमें मेकोंग दिख रहा है यहां पर। फिर देखिए अगला, इरावादी ग्राउंड, इरावादी ग्राउंड, ये जो है म्यांमार राइस के लिए फेमस है, म्यांमार राइस के लिए ये बहुत ही फेमस है, ये देखिए बर्मा, पुराना म्यांमार जैसा हमें दिख रहा है, और इधर जो है ये इरावादी जो है हमें मिलता है, ये देखिए ये जो नदी गई हुई है इसके किनारे किनारे यहाँ पर इरावादी प्लेन्स हमें मिल रहे हैं। ओके अगला, अगला देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, इसके तो नाम से ही हमें समझ आ जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन की बात कर रहा है, ये इंडिया और बांग्लादेश में पाया जाता है, और ये भी जैसा आपको पता है राइस प्रोडक्शन हमारे वहां कितनी होती है, ये भी फेमस है राइस प्रोडक्शन के लिए, ये देखिए ये गंगा, ये उसकी सारी सहायक नदियां, इधर ब्रह्मपुत्र, यहाँ हमें म्यांमार दिख रहा है, और इसके पास की जो सारी एरियाज हैं, इसके पास की जो एरियाज हैं वही क्या हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन कहलाती हैं, ठीक है। ये आपको गंगा दिख रहा है, यहाँ पे उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ वो दिखती हैं हमें, ये अपना कोलकाता है, ये बे ऑफ बंगाल दिख रहा है, हमारा भारत महान, और ये चाइना, और इधर क्या है, म्यांमार, जैसा आप लोग देख सकते हैं ये सारी जो है वैली है। अगला देखिए इंडस सतलज प्लेन, सिंधु सतलज का मैदान, तो ये देखिए ये इंडिया और पाकिस्तान में पाया जाता है, और ये जो है वीट प्रोडक्शन के लिए फेमस है, वीट प्रोडक्शन के लिए ये फेमस है, जैसा हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको नदी दिख रही है, ये हमारी सिंधु और सतलज वाला पोर्शन दिख रहा है, और ये जो पोर्शन दिख रहा है आसपास का, यही क्या है, यही हमारा सिंधु सतलज का मैदान है जो हमें यहाँ पर दिख रहा है। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, बहुत सारे, तो आप लोग क्या करते चलोगे, बिल्कुल अपने दिमाग में बैठाते चलोगे,
कुछ क्लास के बाद मैं एक दिन डिस्कस कर लूंगी आप सभी से वर्ल्ड मैप, जिससे कि जब आप लोग देखते हो ना कहाँ पे क्या स्थित है, तो पूरी पूरी आपके दिमाग से कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगी। वर्ल्ड मैप बिल्कुल आसानी से हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ कहाँ पे क्या स्थित है, तो थोड़ी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, देखिएगा ये क्या है, मुर्रे डार्लिंग प्लेन। मुर्रे डार्लिंग, मोना डार्लिंग की तरह मुर्रे डार्लिंग याद कर लेना, ठीक है। तो ये मुर्रे डार्लिंग कहाँ है, ये तो फेमस है वीट प्रोडक्शन के लिए, और ये ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, और ये वीट प्रोडक्शन के लिए फेमस है। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करके दिखाया है, ये मुर्रे डार्लिंग बेसिन है, ये डार्लिंग नदी आपको दिख रही है, मुर्रे बेसिन दिख रहा है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा जूम करके यहाँ दिखाया हुआ है, मुर्रे डार्लिंग बेसिन कहाँ पर, देखिए ये आपका पाया जाता है कहाँ, ये हमें सिडनी दिख रहा है, यहाँ पर ये मेलबर्न दिख रहा है, ये कैनबेरा है, राजधानी भी हमें मिल गई, ठीक है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। अगला है डाउन्स मैदान, डाउन्स प्लेन, ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कांटीबंधीय घास का मैदान, भेड़ पालन क्षेत्र, ये भेड़ पालन क्षेत्र है याद रखिएगा। पूछा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया का कौन सा क्षेत्र जो है भेड़ पालन क्षेत्र में आता है, कौन सा आता है, डाउन्स प्लेन, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो कि भेड़ पालन के लिए काम आता है ज्यादा, ओके। अगला देखिए, अगला है हमारा हंगेरियन प्लेन, ये हमारा कार्पेथियन और डेनेरिक अल्सम माउंटेन्स के बीच में आता है, ये हमारा हंगेरियन प्लेन पे दिख रहा है, ये कार्पेथियन माउंटेन्स है, ठीक है। आसपास की जो एरियाज आपको दिख रही हैं, यही किस में आ जाएगा, यही हमारा होता है हंगेरियन प्लेन। अब आप सभी लोग जरा कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको कहाँ मिलता है, हंगेरी कहाँ है, दुनिया के कौन से पार्ट में हंगेरी देखने को मिलता है। अगला हम लोग देख रहे हैं लोम्बार्डी प्लेन, लोम्बार्डी प्लेन जो कि यूरोप का सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूसिंग रीजन है, सबसे ज्यादा यहाँ चावल का उत्पादन होता है, और ये कहाँ स्थित है, नॉर्थ पार्ट में है, इटली के, इटली के नॉर्थ पार्ट में ये पाया जाता है। देखिए इधर बना हुआ है आपका, चलते हैं और बढ़ते हैं हम लोग आज के डे ऑफ द डे की तरफ। आज का डे ऑफ द डे क्या है, पहला तो 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया था समलैंगिकता अब अपराध नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी, हालांकि हमारी जो समाज है आज तक बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाई है इन सबको लेके, जब बात करते हैं गे की या लेस्बियन की या होमोसेक्सुअल की, तो आज तक हमारे समाज में कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया था 6 सितंबर को ही कि यह अब अपराध नहीं है। आज के दिन की ये खास बात है, ठीक है, कि अब होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध नहीं है। तो अब आप लोग टीवी न्यूज़ पे बहुत देखते होंगे, बहुत सारे सेम लिंग के लोग हैं जो कि शादी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत लॉयर्स इसके लिए लड़ रहे थे जिन्होंने बाद में शादी कर ली, दो औरतों की जो खबर आजकल फेसबुक पे बहुत आ रही थी, तो अब ये कोई अपराध नहीं है। लेकिन हमारा समाज वो आज तक जो है कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे चल रहा है, जिसको आगे जाके हम ही उस समाज के हिस्सा बनेंगे और हम ही उसकी सोच बदल सकते हैं। चलो अगला देखिएगा, अगला जैसा दिख रहा है मारने का युद्ध हुआ था, मारने वॉर, ठीक है। अगला जैसा हम सभी देख सकते हैं मारने का युद्ध हुआ था, यानी कि मारने का वॉर हुआ था, और इसमें जो है ये किसके किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच में, 1914 में यह हुआ था, 6 सितंबर की खास बात चल रही है आज, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हमारा तशकंद समझौता हुआ था आज, तशकंद समझौता हुआ था, ये तो बहुत ही फेमस चीज़ है, तशकंद समझौता की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है हमारा 65 में हुआ था, और जो वार हुई थी 1965 उसके बाद हुआ था। इस समझौता में इंडिया ने काफ़ी सारे पाक के सैनिकों को क्या किया था, रिहा किया था, और शास्त्री जी का भी कुछ खास पता नहीं चला था कि उनकी मृत्यु कैसे हो गई, खैर वो हमारा पार्ट नहीं है। 1965 में ये वॉर हुआ था, और अगर आपको याद हो कि
1966 से लेके 69 तक के लिए हम लोग प्लानिंग कमीशन का जो है 5 ईयर प्लान भी रोक दिए थे, 5 ईयर प्लान को रोक दिए थे और प्लानिंग गैप लिए थे इन 3 साल के लिए, क्योंकि युद्ध हो गई थी, सूखा पड़ गया था, उसके बाद हमारा देश आगे जाने की दशा में नहीं था। तो हमने कहा था 5 ईयर प्लान को रोको और अभी प्लानिंग गैप लेके ये सोचो कि किस तरह से सूखे की समस्या को हल करें। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन पे भी बहुत सारी बातें हुई थी, ठीक है, हरित क्रांति जिसको हम लोग कहते हैं। डेजर्ट ऑफ द डे, डेजर्ट ऑफ द डे 1953 की बात है ये, जब 1953 में पहली बार एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे ने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे ने पहली बार क्या किया था, एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एडमंड हिलरी कौन से देश के थे, एडमंड हिलरी कौन से देश के थे, ये आपके न्यूजीलैंड के थे, कई बार ये पूछा जाता है। और तेंजिंग नॉर्गे कौन थे, तेंजिंग नॉर्गे किस देश के थे, ये नेपाल के थे। अब आप लोग एक होमवर्क लिख लो कि सबसे ज़्यादा बार आज तक एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की है, अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने चढ़ाई की थी, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। फिर देखिए 1953 में आंध्र प्रदेश मद्रास प्रेसिडेंसी के हिस्से में से बनाया गया था, भारत में भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकता है कि भाषा आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था, कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। कब बनाया गया था, 1953 में बनाया गया था। फिर 1956 में आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश राज्य बनाने वाले के लिए हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी छात्र के साथ विलय कर दिया गया था, जो हैदराबाद रीजन में तेलुगु भाषी थे उनको आपस में विलय कर दिया गया था। अगला, भारत सरकार ने 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। अब तो खैर आपको पता है कि पिछड़े वर्ग आयोग की अगर हम लोग बात करें तो अब तो खैर ये संवैधानिक दर्जा भी दिया जा चुका है 123rd अमेंडमेंट एक्ट में। और साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले खबर भी आई थी कि जो मध्य प्रदेश है उसने ओबीसी का कोटा बढ़ाकर 27% तक कर दिया था 14% से, ठीक है, तो ये भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। फिर देखिए एयरलाइन की स्थापना एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953 के तहत 32 मिलियन की प्रारंभिक पूंजी के साथ की गई और 1 अगस्त 1953 को परिचालन शुरू किया। तो एक सवाल आ सकता है, एयरलाइन की स्थापना कौन से एक्ट से की गई थी, किसके एक्ट से की गई थी, एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953 से किया गया था और इसकी प्रारंभिक इनिशियल कैपिटल क्या थी, क्या थी, 32 मिलियन थी, ठीक है। ये एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। चलो तो ये थी हमारी आज की स्लाइड्स और ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने मित्रों में भी बता दीजिए कि ऐसा कोई सेशन चल रहा है, ज़्यादा लोगों को जोड़िए, हम थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी आप करिए और फिर मिलके हम लोग इस शो को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। आपका साथ ही हम सबका विकास जो है उसका कारण बनेगा। तो आपका साथ हमारा विकास, हमारा साथ आपका विकास, कहीं ना कहीं हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को आगे ले जाने में पूरी मदद कर सकते हैं। जो मैंने आपसे कहा, नकारात्मक सोच नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच रखना है और सबसे आगे बढ़कर जाना है। डैम्स की ट्रिक आज नहीं है, डैम की ट्रिक मैं फिर से कंटिन्यू कर दूंगी, उसके लिए बिल्कुल ना घबराइएगा, ठीक है। चलो मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।